नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ साझा करना चाहती हूँ। और कमेंट आया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, टॉपिक क्या था वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। टॉपिक था क्या शादीशुदा से प्यार करना जो है गलत होता है या सही होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अपना जो है राय दे रही हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। देखो, शादीशुदा से प्यार करना, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आपकी शादी नहीं हो हुई है, तो कोशिश करें कि आप उसी से ही प्यार करें, उसी से ही रिलेशन बनाएं जिसकी शादी ना हुई हो। क्योंकि जो शादीशुदा से और बिना शादीशुदा लोग मतलब आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, उस रिलेशनशिप की कोई मंजिल नहीं होती है, कोई ये नहीं होता कि इस मुकाम तक जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे बंदे को भी आगे चल के शादी करनी होती है, उसको भी अपने ज़िंदगी देखनी होती है, अपना परिवार देखना होता है, बीवी बच्चे देखने होते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कुछ शादीशुदा क्या करते हैं, अपने घर में उनको अपनी बीवी या अपने हस्बैंड से जो है सुख नहीं मिल पाता है, तो इधर उधर जो है अपना जो है रिलेशन बना लेते हैं और चीज़ें कह लेते हैं। तो देखिए, मेरी नज़र में ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अगर आपके घर में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आप दोनों में नहीं पट रही है, आप दोनों का जो है रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा है, अगर आपके बच्चे हैं तो अपनी बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को जिए, ज़रूरी नहीं है आप इधर उधर रिलेशनशिप बनाएं। और 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं, तो 21वीं सदी में एक औरत भी अकेले रह के अपने बच्चों को और खुद को पाल सकती है कमा के, ठीक है? तो हमेशा ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे भाई, भगवान ने हाथ पैर आपको दिए हैं, हाथ पैर आपके सलामत हैं, तो फिर हाथ पैर मारिए। कमाने के बहुत से जरिए मिल जाते हैं। अकेले रहना अगर औरत का इतना गलत होता है ना, तो मैं यही कहूंगी उन लोगों को कि अपनी सोच बदलिए। कोई भी औरत कहीं भी अकेले रह सकती है, अगर वो अपने बच्चों को पाल सकती है, खुद को पाल सकती है, तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है, गंदी आदतें हैं उसकी, अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं औरत जो है हर्ट होती है अंदर से। अब बात आती है, अगर मारता पीटता है और शराब दारू या कुछ कुछ भी करता है, तो कोई भी औरत कितने भी दिन तक बर्दाश्त करेगी? बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए मर्दों की, जिनकी शादी हो चुकी है, तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं सिर्फ वो मतलब के लिए मर्दों के साथ जो चिपकी रहती हैं, भले से शादीशुदा होती हैं, मतलब के लिए हर चीज़ करती हैं, बस अपना स्वार्थ देखती हैं, मुझे इतने पैसे चाहिए, शॉपिंग करना है, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। अगर मर्द वो चीज़ नहीं करता है, फाउंडेशन में रखना चाहता है, मिनिमम चीज़ें देता है, मिनिमम खर्चा देता है, तो औरतें जो है दूसरी तरफ रुख अपना करती हैं, तो वो सही नहीं होता है। अगर आपके हस्बैंड आपके लिए जो है हर चीज कर रहे हैं, तो आपको उन चीजों का सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि भाई वो मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं। भाई, आदमी कमाता किसके लिए है? अपनी बीवी बच्चों के लिए, दूसरे के लिए तो कमाता नहीं है कोई। तो इस चीज को कुछ औरतों को समझ में नहीं आती है, इधर उधर रिलेशन बना लेती हैं, बाद में पछताना पड़ता है। क्या होता है, इधर उधर आप मुंह मारते हो, अंत में आप फिर अपने घर में ही तो आओगे ना। अगर आप अगर किसी से प्यार कर ही रहे हो, कोई शादीशुदा इंसान किसी अनशादीशुदा इंसान से जो है प्यार कर ही रहा है, तो आप दोनों ही एक काम करो, अगर आपके प्यार में पॉसिबल हो तो शादी कर लो। ऐसे रिलेशन बनाने से क्या फायदा जिन रिलेशन का कोई मतलब ना हो, दुनिया के सामने जो रिलेशन गलत हो, बच्चे गलत समझते हो, हमारा समाज गलत समझता हो और लोग गलत समझते हो, तो ऐसे रिलेशन में नहीं बनना चाहिए। ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, कुछ लोगों को शायद मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, तो प्लीज उसके लिए मुझे समझिए। क्योंकि समझना, आप जब इस वीडियो को समझेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, आप बिना रिलेशन के भी अपनी जिंदगी जो है गुजार सकते हो अपने दम पे।
वो उस दिन जिस दिन आप ऐसा चीज करोगे ना, आपको खुद प्राउड फील होगा अपने अंदर कि हाँ हम अकेले भी जी सकते हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चे नहीं है, अकेले तब भी रह सकते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, ना औरत ना आदमी। जब आदमी जो है कहीं भी अकेले रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, तो औरतें क्यों नहीं रह सकती हैं? प्लीज, अगर कोई औरत कहीं पे अकेली रह रही है तो इसका मतलब ये नहीं है उसका किसी के साथ रिलेशन है, किसी के साथ अफेयर है, या किसी के साथ वो कुछ गलत कर रही है। पहले उस औरत को समझो, उसने ऐसा क्यों किया, अपने आदमी क्यों छोड़ा, और अगर आदमी कर रहा है तो उसे भी समझो कि उसने अपनी बीवी को क्यों छोड़ा है। अगर आप किसी के जिंदगी के बारे में जानते नहीं हो तो अपना ओपिनियन भी मत दिया करो, क्योंकि ओपिनियन वहीं पे देना चाहिए जहां आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। जब आप किसी को जानते ही नहीं हो तो अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हो भाई, जब आप कुछ जानते ही नहीं हो, इसका क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा तो हुआ नहीं, बस यही हुआ कि बस आप दूसरों की में उंगली लड़ा रहे हो, उंगली कोंच रहे हो, कोंच रहे हो, कोंच रहे हो। पहले समझो तो। कभी कभी माँ बाप जो है शादी कर देते हैं बच्चों की, बिना सोचे समझे शादी कर देते हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है बच्चों की। तो मैं तो यही कहूंगी, जैसा आपका बच्चा है उसी हिसाब से उसका वर ढूंढिए। अगर आदमी है तो वो अपने लिए वैसी बीवी ढूंढे, और अगर लड़की है तो अपने लिए वैसा, अपने माँ बाप से बोले मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, अपनी चॉइस बताए। पहले का जमाना अलग था, आज 8-10 साल से मैं खुद देख रही हूँ कि आजकल की लड़कियां खुद अपनी चॉइस जो है बता देती, मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए कैसा नहीं चाहिए। हमारे जमाने में था पूछते तक नहीं थे, तुम्हारी शादी हो रही ये भी नहीं बताते थे, शादी कुछ दिन बचा रहता था तब पता चलता था हमारी शादी हो रही है। एज कितनी रहती थी? एज 15-16 साल, 14 साल, 13 साल, ऐसी एज रहती थी। इस एज में मतलब शादी होती थी। मेरी खुद की शादी 16 साल की उम्र में हुई, मैं पूरा 16 साल की भी नहीं थी तब मेरी शादी हो गई। तो जब कम उम्र में शादी होता है ना, तो बच्चे वो ना समझ होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं होती, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको समझना चाहिए कि हम जिसके साथ अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, क्या उस वो बच्चा उस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है, आगे चल के क्या होने वाला। आप घर परिवार देख के और चीजें देख के शादी ब्याह कर देते हो, लेकिन जिसके साथ शादी कर रहे हो वही इंसान अगर नहीं अच्छा है तो अपने जिंदगी में वो लड़की खुद को कोसे या अपने माँ बाप को कोसे, किसको कोसे? आप लोग कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, क्योंकि आपके एक फैसले से किसी की जिंदगी बनती और बिगड़ती दोनों चीजें होती हैं। तो किसी से भी अगर रिश्ता कोई बनाए ना, तो सोच समझ के बनाए। अगर आप उस रिश्ते को निभा सकते हो पूरे ईमानदारी से, कल को अगर आप किसी लड़के से रिश्ते बनाते हो, शादीशुदा होके कोई औरत है, तो आगे उसके बारे में भी सोचो कि कहीं हमारी वजह से उसकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद हो रही, कहीं उसका उसके घर परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर लड़का है किसी शादीशुदा महिला से रिश्ता बना रहा, तब वो भी यही सोचे। मैं यही कहूंगी, आप अगर किसी ऐसे इंसान से रिश्ता बना रहे जो शादीशुदा है, तो ये सोचिए निस्वार्थ भाव से जो है रिश्ता बनाइए, एक दूसरे से ज्यादा जो है कुछ वो ना रखिए कि मुझे ये मेरे लिए ये करो वो करो वो करो, नहीं। अगर आप दोनों में प्यार होगा ना, तो खुद आप दोनों एक दूसरे के लिए करोगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात ये भी कहूंगी, ऐसे रिश्तों से दूर रहो, अकेले रहो, खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगली टॉपिक कौन सी आपको चाहिए ये भी बताइएगा। और मुझे पता है आप लोगों को मेरा फेस ही पसंद है, स्टोरी वीडियो डाल रही थी वो आप लोगों को समझ में नहीं आए, मैं सोच रही अपने फेस से ही मैं वीडियो बनाऊं। अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा आप लोग, कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, कैसी वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, अगली टॉपिक वही वीडियो होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।